ये है वक्त मीडिया। तवज्जो चाहता हूँ जनाब, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ गजल का मतलब, पूरी तवज्जो। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने, अब देखिए खुदा की कसम, आप यहीं से देखें, आपके अंदर चेंजिंग पैदा हो जाएगी, आप खुद महसूस करेंगे आपके अंदर चेंजिंग पैदा होगी। मैं शेर पढ़ता हूँ। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं, हकीकी है। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं, हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। देखिए आपकी दाद मुझ तक पहुंची, आपने अपनी जगहों से मेरे अंदर भी चेंजिंग महसूस की होगी। अब यहां से शेर सुनिए। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। दोस्तों, मैंने सीवान बिहार की मुसाफत तय करके आपके खिदमत में हाजिरी दर्ज कराई है। थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं, हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से। यकीनन बहुत सच्चा शेर है मिसम भाई, बहुत सच्चा और बहुत अच्छा शेर। वाह। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं। मैं शेर पढ़ता हूँ, पढ़ना मेरी जिम्मेदारी, इसलिए कि मैं पढ़ने से नहीं डरता, क्योंकि इस बात पर ईमान है कि कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब जिसकी जहां जिस घड़ी जिस कैफियत में मौत आनी होगी वही आएगी, कोई उसको बदल नहीं सकता सिवाय खुदा के। इस अकीदे के साथ शेर पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं कहना शेर, समझना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको चले जाना चाहिए यहाँ से पाकिस्तान। अब शेर सुनिए। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अमा हमारा जुर्म
वाह। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। दूसरा मिसरा लग जाए, एक एक फर्द की दुआएं चाहता है मीसम गोपालपुरी। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से बहुत अच्छे मिसम साहब, वाह 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 वाह। फिर पढ़ दीजिए, वाह 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 वाह। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, 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 हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। शेर मुलादा फरमाए बतौर खास, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, थक गए, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। ये गजल का एक खाली शेर मौलाना फरमाए, इशारा करके बुलाने से खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा, खुदा के वास्ते के आ जाओ, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। मक्ता हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए, और जिसकी दुआएं अब तक ना पहुंची हो इंशाल्लाह मक्ते में पहुंच जाएगी। हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, तुम अपना रास्ता हमवार
किसी से आस लगाने से कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत